करमाटांड में टमाटर सॉस की मिनी फैक्ट्री और हीरापुर में पान दुकान चलाने वाले मुकेश पंडित की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मुकेश के घर आने जाने वाला पड़ोसी उज्जवल शर्मा ने ही गोली मारकर उसकी हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर के सामने झाड़ी नुमा खाली जमीन से हत्या में प्रयुक्त रिवॉल्वर और गोलियां जब्त की है। दामोदरपुर सोमनगर निवासी मुकेश का शव 26 मार्च की सुबह दामोदरपुर के डहारकुली फुटबॉल ग्राउंड के पास बांसबाड़ी से बरामद किया गया था। धनबाद पुलिस की विशेष टीम ने शुक्रवार की रात मुकेश के दोस्त उज्जवल को उठाया। कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने पुलिस के समक्ष सच उगल दिया और हत्या में अपनी संलिप्तता कबूल करते हुए हथियार के संबंध में जानकारी दी। पुलिस छानबीन में पता चला है कि उज्जवल शर्मा का मुकेश की पत्नी से अवैध संबंध था। इसी संबंध के कारण मुकेश पंडित उसके निशाने पर था। वह मुंबई से ठान कर आया था कि इस बार वह मुकेश पंडित को रास्ते से हटा देगा। हत्या के बाद आरोपी बड़े आराम से अपने घर पर रह रहा था। पड़ोसी होने के कारण वह मुकेश पंडित के घर ढाढ़स बंधाने भी जाता था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से उज्जवल शर्मा मृतक मुकेश पंडित से फेसबुक मैसेंजर पर लड़की बनकर बातचीत कर रहा था। घटना के दिन भी वह मुकेश से लगातार FB पर चैट कर रहा था। वह नेहा के नाम से बातचीत कर मुकेश को फुटबॉल ग्राउंड से मिलने बुलाया। जब मुकेश वहां पहुंचा तो उसे धोखे से गोली मारकर वह भाग गया। पुलिस मुकेश और उनके घर के सदस्यों से मोबाइल पर बातचीत करने वाले हर एक व्यक्ति से पूछताछ कर रही थी। जब पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला तो पुलिस ने घटनास्थल पर सक्रिय मोबाइल टावर का कॉल डंप निकाला। रात 10 बजे से रात 11 बजे के बीच के कॉल डंप रिपोर्ट में उज्जवल का मोबाइल नंबर पुलिस को मिला। इसके बाद पुलिस के हाथ आरोपी के गिरेबान तक पहुंच गए। थाना अंतर्गत दामोदरपुर में एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। व्यवसायी मुकेश कुमार पंडित, इसका उद्भेदन, इस कांड का उद्भेदन कर लिया गया है। और इस कांड में जो दो मुख्य आरोपी हैं, गोली चलाने वाला उज्जवल पंडित और कॉन्स्पिरेटर नीलम देवी जो कि इसकी पत्नी ही है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हत्या में प्रयुक्त जो हथियार थे, हथियार को भी बरामद कर लिया गया है और मोबाइल्स जिसका यूज़ किया गया है वो भी बरामद कर लिया गया है। इसका जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसका जो अब तक के उद्भेदन में जो बात सामने आई है कि उज्जवल शर्मा पहले इसके यहाँ काम करता था, जो मुकेश पंडित है, और इसी क्रम में इसका इसकी पत्नी के साथ जान पहचान बढ़ा। जब जान पहचान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो इन लोगों ने फिर मुकेश पंडित के ऊपर को लगा कि कैसे इसको निपटाया जाए। तो जो उज्जवल शर्मा है, ये किसी लड़की के नाम से अपना एक फेसबुक अकाउंट शुरू किया और वो उस अकाउंट से इस जो मुकेश पंडित थे उसको हनी ट्रैप किया गया और लड़की बनकर के ये इससे फेसबुक पे ढेर सारा बातचीत इन लोगों का होने लगा। जब इन लोगों की नज़दीकी काफ़ी बढ़ गई तो ये लोग फेस टाइम के मैसेंजर पे बात भी करता था। जब इन लोगों की नज़दीकी काफ़ी बढ़ गई तो एक दिन जब इसको मिलने के लिए बुलाया वो, और उसी दिन मिलने के लिए बुलाया और फेस मैसेंजर पे ये लोग बात कर रहा था, और जैसे ही लोग आमने सामने हुआ मुकेश पंडित ने, ये उज्जवल शर्मा ने गोली चला दी और वहीं पर ये इसकी मौत हो गई। तो ये जो टोटल कॉन्स्पिरेसी है, टोटल कॉन्स्पिरेसी का जो पूरा एंगल है और जो पूरा हनी ट्रैप का एंगल है वो भी अपने आप में एक नई चीज़ है। और क्योंकि व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की गई थी और उसको जो मीडिया वर्ग है या चाहे व्यवसायी वर्ग ने भी इसको बहुत ही सीरियसली लिया था। इस संबंध में कई लोगों ने कई तरह का प्रतिवेदन किया, कुछ मौन जुलूस वगैरह भी इन लोगों ने निकाला। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए बस यही है कि व्यवसायी वर्ग को कहीं भी ऐसा लगता है, इस तरह का जो हनी ट्रैप्स होता है, यह सबके लिए है कि हनी ट्रैप से ज़रूर आप लोग बचें। फेस टाइम मैसेंजर्स वगैरह पे लोग तरह तरह से अपना आइडेंटिटी चेंज करके लोगों को ट्रैप करने का प्रयास करते हैं। रिलेशंस है उसमें, अगर कहीं भी कुछ ऐसे चीज़ है जहाँ आपको लग रहा है खतरा है तो आप उसको ज़रूर भापें। महिला का क्या रोल है? महिला क्योंकि महिला के साथ उसका संबंध बढ़ा था और दोनों के कॉन्स्पिरेसी से ही इसकी हत्या की गई है। उज्जवल दस ये जैसे पहुंचा है और जैसे वो पीछे मुड़ा वो लड़का था उसको गोली मार दी। थैंक यू।
सकते हैं। फिलहाल हम कोई अपडेट नहीं।